ये कहानी है एंडी डिफरिन की, जिसे अपनी वाइफ और उसके लवर के मर्डर के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। एंडी एक बहुत बड़े बैंक का वाइस प्रेसिडेंट था और बहुत ही पढ़ा लिखा था। एंडी को स्वैंक जेल लाया जाता है। यहाँ के कायदे कानून बहुत सख्त थे। यहाँ के कैदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। एंडी को और कैदियों के साथ यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ का वार्डन, जिसका नाम जोर्टन होता है, वो इन्हें यहाँ के नियम समझाता है। वहीं रात में एक कैदी अपने सेल में रोने लगता है, जिसके बाद वहाँ के गार्ड आते हैं और उसे बाहर निकालते हैं और उसे बुरी तरह से मारते हैं, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। एंडी कई दिनों तक किसी से बात नहीं करता और एक दिन वो रेड के पास जाता है और उससे हथौड़ी मांगता है। रेड यहाँ पर सप्लायर का काम करता है। वो कैदियों को जुगाड़ करके चीज़ें लाकर देता है, बदले में उसका 20% वो रख लेता है। रेड उससे कहता है, उससे क्या सुरंग खोदोगे। एंडी उससे कहता है कि उसे पत्थर तराशने का शौक है और उससे वो वही करेगा। जब रेड उस हथौड़ी को देखता है, तब वो सोचता है कि इससे सुरंग खोदने में 600 साल लग जाएंगे। जेल में कुछ लोगों की नज़र एंडी पर होती है। वो उसका शारीरिक शोषण करते हैं और उसे बुरी तरह मारते हैं। ये सिलसिला 2 सालों तक चलता है। एंडी कभी उनसे लड़ पाता है, कभी नहीं। इसके चलते अक्सर उसके चेहरे पर चोटों के निशान रहते हैं। एक दिन एंडी, रेड और इनके बाकी दोस्तों को छत की मरम्मत का काम दिया जाता है। वहाँ का इंचार्ज हेडली अपने साथियों से बातें कर रहा होता है कि उसके भाई ने उसके लिए $30,000 छोड़े हैं, पर वो उसके किसी काम के नहीं, क्योंकि सरकार उस पर मोटा टैक्स वसूल लेगी। ये सुनकर एंडी उसके पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें अपनी पत्नी पर विश्वास है। ये सुनकर हेडली को गुस्सा आ जाता है और वो एंडी को छत से लटका देता है। एंडी उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी पत्नी पर विश्वास है तो मैं तुम्हारे $30,000 बचा सकता हूँ। एंडी उससे कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को पूरी लाइफ में $60,000 तक का गिफ्ट दे सकता है और इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता। इसके लिए तुम्हें वकील की ज़रूरत पड़ेगी, पर मैं तुम्हारा काम फ्री में कर दूंगा। बस इसके बदले में मेरे दोस्तों को 3-3 बियर पिला देना। एंडी उनका काम कर देता है और उसके दोस्त अगले दिन छत पर बियर पी रहे होते हैं। जेल में कैदियों को मूवी दिखाई जाती है। वहाँ एंडी रेड से कहता है कि उसे उस एक्ट्रेस का पोस्टर चाहिए और एंडी वहाँ से बाहर निकल जाता है, क्योंकि जेल में एक ही मूवी बार बार दिखाई जाती है। वहाँ पर वो लोग जो एंडी का शारीरिक शोषण किया करते थे, वो फिर से उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। एंडी उनमें से एक को मारता है, जिसके बाद वो सब मिलकर एंडी को बुरी तरह मारते हैं और उसे 1 महीने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है और उस आदमी को 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। जब वो बाहर आता है, तब हेडली उसे बुरी तरह मारता है और उसे अपंग कर देता है। एंडी 1 महीने बाद हॉस्पिटल से आता है। तब तक रेड उसके कमरे में उस एक्ट्रेस का पोस्टर रख देता है। एक दिन वार्डन सेल की चेकिंग करने के लिए आता है। वो एंडी के सेल की चेकिंग करता है। एंडी के हाथ में एक बाइबल होती है, जिसे वो ले लेता है। एंडी के सेल में कुछ अजीब चीज़ें नहीं होती, बस वो पोस्टर होता है, जिसे देखकर वार्डन कहता है कि वैसे तो मैं इसे अलो नहीं करता, पर कभी कभी चल जाता है। वो जाते वक्त वो बाइबल उसे वापस कर देता है और कहता है मुक्ति इसी में है। उसे कहीं भी वो हथौड़ी नहीं मिलती है जो उसे रेड ने दी थी। चेकिंग तो बस बहाना था। दरअसल वार्डन ने हेडली के टैक्स बचाने वाली बात सुनी थी, इसलिए उसे एंडी से खुद मिलना था। वार्डन एंडी को लाइब्रेरी असिस्टेंट बना देता है, उसे अपना काम जो कराना था। एंडी वहाँ के लाइब्रेरियन ब्रूक्स से मिलता है, जिनकी उम्र अब बहुत ज़्यादा हो गई है। एंडी वहाँ पर सबकी टैक्स रिटर्न फाइल बनाता है और उसका काम बढ़ता ही चला जाता है, इसलिए उसे एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी। वो अपने दोस्त रेड को ऐसे असिस्टेंट वहाँ पर हायर कर लेता है। एंडी को लाइब्रेरी में और भी किताबें चाहिए थी, इसलिए वो गवर्नमेंट को हर हफ्ते एक लेटर लिखता है। एक दिन वहाँ का लाइब्रेरियन ब्रूक्स एक कैदी के गले पर चाकू रख देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसे रिहाई मिल रही है। ब्रूक्स इस जेल में 50 सालों से है और अब उसे बाहर नहीं जाना। ब्रूक्स सोचता है कि अगर उसने मर्डर कर दिया तो उसे यहीं रहने दिया जाएगा। एंडी किसी तरह से उसे समझाता है और फिर वो अपना चाकू नीचे कर लेता है। इसके बाद ब्रूक्स को रिहा कर दिया जाता है, पर ब्रूक्स के लिए बाहर की दुनिया बड़ी ही अजीब थी। वो 50 सालों से जेल से बाहर नहीं गया था, जहाँ सड़कों पर सिर्फ एक आध गाड़ियाँ दिखती थी, अब सड़कें गाड़ियों से भरी रहती हैं। ब्रूक्स को सरकार की तरफ से एक रूम दिया जाता है और एक काम भी, पर ब्रूक्स का मन वहाँ पर नहीं लगता और वो सुसाइड कर लेता है।
एंडी 6 सालों तक लगातार सरकार को हर हफ्ते खत लिखता है, जिससे परेशान होकर सरकार उसे उसकी लाइब्रेरी के लिए फंड प्रोवाइड कर देती है, जिससे वो जेल में एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी डेवलप कर लेता है। एक बार वार्डन एक प्रोग्राम चलाता है जिसके तहत वो जेल के कैदियों को बाहर मजदूरी कराने के लिए लेकर जाता है, जिससे वो बहुत सारे टेंडर हथियार लेता है और इनकी मजदूरी भी बहुत कम होती है, जिससे उसके पास बहुत सारा काला धन आ जाता है। एंडी इन पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग करता है, वो इन पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करा देता है जिससे वो वाइट होकर वापस आते हैं। एंडी वार्डन का एक ऐसा पार्टनर बनाता है जो कि असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो उसके सारे डॉक्यूमेंट भी बनाता है और जब भी पैसे आते हैं वो उसके अकाउंट में डालते हैं, ताकि अगर कभी पुलिस को इसके बारे में पता चले तो वो एक ऐसे आदमी को ढूंढे जो असल में है ही नहीं। एक दिन उस जेल में एक टोमी नाम का कैदी आता है, उसे चोरी के जुर्म में 2 साल की सजा हुई थी। टोमी को अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करनी थी, इसमें एंडी उसकी मदद करता है। एक दिन टोमी पूछता है कि एंडी यहाँ पर क्यों है। रेड उसे बताता है कि उस पर उसकी वाइफ और उसके लवर के मर्डर का चार्ज है और वो बाहर एक बहुत बड़ा बैंकर था। टोमी को कुछ याद आता है और वो कहता है कि वो एक बार ऐसी जेल में था जहाँ एक आदमी उससे कह रहा था कि वो एक बार एक घर में चोरी करने गया था, वहाँ का ओनर जाग गया इसलिए वो उसका मर्डर कर देता है और उसकी वाइफ का भी। बाद में उसे पता चलता है कि वो उसकी वाइफ नहीं उसकी लवर थी और उसकी लवर का हस्बैंड एक बहुत बड़े बैंक का बैंकर था और उसे इनके मर्डर के जुर्म में सजा हुई थी। एंडी उसकी बात सुनता है और उसे लगता है कि उसकी बेगुनाही का सबूत उसे मिल चुका है, इसलिए वो वार्डन के पास जाता है, पर वार्डन उसे नहीं छोड़ सकता था क्योंकि उसके सारे काम वही करता है। एंडी उसे कहता है कि वो बाहर जाकर किसी को नहीं बताएगा उसके काले धंधे के बारे में। तब वार्डन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है। वार्डन टोमी को मरवा देता है और एंडी के पास जाता है और उसे कहता है कि टोमी ने भागने की कोशिश की और मारा गया। एंडी को भी समझ में आ जाता है कि ये वार्डन ने किया है, वो उससे कहता है कि वो उसका काम अब नहीं करेगा। तब वार्डन उसे 1 और महीने के लिए काल कोठरी में डलवा देता है। एंडी जब बाहर आता है तब वो रेड से मिलता है और उससे कहता है कि जब वो यहाँ से बाहर निकलेगा तब वो जिया तीनों जाएगा। ये मेक्सिको में समुद्र के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और वहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ मछली मारने के लिए जाएगा। रेड उससे कहता है कि उम्मीद बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, ये आदमी को पागल भी कर सकती है। एंडी रेड से कहता है कि जब भी तुम जेल से बाहर निकलो तब मेरा एक काम करना। बोस्टन में एक बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसके पास एक दीवार है और वहाँ एक काला पत्थर है, उसके नीचे कुछ गड़ा हुआ है, जब भी तुम बाहर निकलो वहाँ ज़रूर जाना। फिर एंडी वार्डन का काम करने के लिए जाता है। वो हर बार की तरह उसे डिपॉजिट देता है और सारे डॉक्यूमेंट एक तिजोरी में रखता है। वार्डन उसे अपने जूते पॉलिश करने के लिए देता है और अपने कपड़े इस्त्री कराने के लिए देता है। फिर एंडी अपने सेल में चला जाता है। सुबह सारे कैदी सेल से बाहर आते हैं पर एंडी नहीं आता। तब गार्ड उसे देखने के लिए जाते हैं, तब वो देखकर चौंक जाते हैं कि सेल में कोई भी नहीं है। वार्डन भी वहाँ पर आता है और वो फ्रस्ट्रेशन में वहाँ रखे पत्थरों को इधर उधर फेंकने लगता है। तब एक पत्थर उस पोस्टर के आर पार चले जाता है, तब वो देखता है कि उस पोस्टर के पीछे एक सुरंग बनी हुई है। गार्ड उसे चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ उन्हें एंडी के पुराने कपड़े, एक साबुन, एक कंघी और वो हथौड़ी मिलती है, जिससे एंडी 20 सालों से उस सुरंग को खोद रहा है। एंडी हर रात सेल में जाने के बाद उस सुरंग को खोदता था और जो भी मिट्टी निकलती थी उसे जेब में रखकर ग्राउंड में बिखेर देता था। एंडी जब आखिरी बार वार्डन के लिए काम करता है तब वो उसके सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेता है और वो बाइबल उसकी तिजोरी में रख देता है और वार्डन ने जो उसे जूते और कपड़े दिए थे उसे भी वो ले जाता है। एंडी उस रात जैसे ही सारी लाइट्स बंद होती है उस सुरंग से बाहर निकलता है और एक नाली के पाइप को तोड़कर उसमें से रेंगता हुआ निकल जाता है। उस पाइप की लंबाई लगभग 0.5 किलोमीटर थी। अगले दिन एंडी बैंक में जाता है, वहाँ पर वो स्टीवन नाम के अकाउंट से अपने सारे पैसे निकला लेता है। उस अकाउंट में वार्डन के सारे पैसे रखे हुए थे और उसके डॉक्यूमेंट्स सारे अब एंडी के पास थे। वो जेल से उसके सिग्नेचर किया करता था इसलिए अब वो उसके सारे पैसे निकाल लेता है और वार्डन के काले धंधों के सारे डॉक्यूमेंट्स वो प्रेस को भिजवा देता है। फिर ये खबर अखबार में छप जाती है। वार्डन अपनी तिजोरी में देखता है पर वहाँ उसके डॉक्यूमेंट नहीं, वो बाइबल थी। उसमें एंडी ने हथौड़ी के सेब में पेज काट कर वो हथौड़ी रखी हुई थी, इसलिए उस दिन चेकिंग में वार्डन को वो हथौड़ी नहीं मिली थी और उस बाइबल में लिखा था, तुमने सही कहा था, मुक्ति इसी में है। फिर पुलिस वार्डन को पकड़ने के लिए आती है पर वार्डन खुद को गोली मार लेता है। कुछ टाइम बाद रेड की सज़ा पूरी हो जाती है और उसे एंडी की वो बात याद आती है और वो उस जगह पर जाता है जहाँ एंडी ने उसे जाने के लिए कहा था। वहाँ उस काले पत्थर के नीचे एक बॉक्स होता है जिसमें एक लेटर होता है जो एंडी ने लिखा था। उसमें एंडी कहता है कि मैंने तुम्हें जो जगह बताई थी वो तुम्हें याद है। एंडी उसे उस जगह पर आने के लिए कहता है
रेड उस जगह पर जाता है जहां उसे एंडी दिखाई देता है जो अपनी बोट ठीक कर रहा था। रेड की स्माइल के साथ एंडी के संघर्ष की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और मूवी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।